हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में एमजीपीई का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एमजीपीई 010 यानी MBGPE 10 का जो सब्जेक्ट है आप सभी के पास में, संघर्ष प्रबंधन, रूपांतरण और शांति निर्माण। ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बताने वाले हैं, जो आप सभी के कल के पेपर में या फॉर फर्दर जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को आगे भी देंगे, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ओनली क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एक वीडियो ऐसी बना दो, MGPE ज्यादा पढ़ानी और ये सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमको पढ़ते ही हमारे एग्जाम में वो सीधा हमें क्या करते मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी को तीन चीजें पक्का पढ़ के जाना है। सबसे पहली बात तो शांति क्या है, आप सभी के पेपर में क्वेश्चन बनेगा शांति क्या है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि शांति स्थापित कैसे की जाती है, शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे। शांति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, एक क्वेश्चन आप सभी को ये करना है, शांति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, एक क्वेश्चन ये करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी को करना है जो आप सभी के पेपर में आ ही रहा है, इसे बोलते हैं हम द्वंद्व। द्वंद्व क्या है, तो इसमें एक बारी नागालैंड के बारे में, नागालैंड के बारे में, और एक बारी आप इसके अंदर अफगानिस्तान के बारे में, किसके बारे में, अफगान के बारे में, इन दोनों के बारे में आप देख लेंगे। द्वंद्व क्या है, द्वंद्व को किस प्रकार टाला जा सकता है और द्वंद्व से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष या कन्फ्लिक्ट आप क्या होता है, आप क्या समझते हैं, संघर्ष को कैसे टाला जा सकता है या संघर्ष से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है, संघर्ष से बचाव के लिए हम किन किन तरीकों को आजमा सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर एक। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की अक्षमताओं, अक्षमता का मतलब होता है इसकी कमी, इसकी कमियां जो है आपको इसकी क्या करनी है, कमियों को बताना है। राजनीतिक दल जो है इसकी किसकी बतानी है, आपको इसकी कमियों का वर्णन करना है। तो राजनीतिक दल की कमी क्या है, सबसे पहली बात तो ये सत्ता रूढ़ होना चाहते हैं, सत्ता रूढ़ होना चाहते हैं। सत्ता रूढ़ होने का मतलब है इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरीके से अन्य पार्टी को हटाकर, उनको गिराकर, उन्हें दबा कुचलाकर हम उनकी जगह सत्ता पर आ जाएं और हम शासन की पूरी गतिविधियों को चलाएं। तो आपको ऐसी कमियों का वर्णन करना है। और राजनीतिक दल की कुछ कमियां होती है कि भाई जो राजनेता होते हैं इसके, क्योंकि राजनीतिक दल नेताओं के थ्रू चलती है, तो आजकल के नेता कैसे होते जा रहे हैं आप सभी को ध्यान रखना है, अवसरवादी होते जा रहे हैं। अगर किसी नेता को ऐसा लगता है कि इस पार्टी के अंदर उसकी ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं हो रही या उसको टिकट नहीं मिल रहा, तो फौरन वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पार्टी बदल देता है। यहाँ पर हम नेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टी की एक कमी ये भी है कि नेताओं के लिए इन्होंने कोई निश्चित नियम निर्धारण नहीं कर रखे, तो ये इसकी कुछ कमी है। क्योंकि आप सभी को पता है सेकंड ईयर का पेपर है, 10 मार्क्स का है, तो आपको ज्यादा कमियां नहीं लिखनी, 3 से 4 कमियां लिखेंगे आप इसके अंदर। और राजनीतिक दलों की अगर आप और कमियों की बात करें, तो राजनीतिक दल की एक कमी ये भी हो सकती है कि राजनीतिक दल जो है वो कई बार टूट जाती है, क्या हो जाती है, टूट, विभाजन का कारण बनती है। और विभाजन के बाद में एक मूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने शासन के दौर में देखा जनता पार्टी थी, जनता पार्टी कई सारी राजनीतिक दल उभरी है, ऐसे ही पहले एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी से अन्य कई सारी पार्टियां जो है वो बननी शुरू हो गई। तो यहाँ पर एक कमी हमें ये दिखती है कि पार्टी टूट के बाद, एक पार्टी के ही टूटने के बाद में कई सारी राजनीतिक दल बनते जा रहे हैं। और राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कमी क्या है कि राजनीतिक दल केवल और केवल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष, वो जन कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए नहीं। तो राजनीतिक दल आजकल अपने अपने स्वार्थों के बारे में भी सोचने लगी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कंटिन्यू पूछा गया है कि वे विशेष उपाय बताइए जिनसे इन दल चलते हैं और इनकी अक्षमताओं का निदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपने देखा, उन प्रॉब्लम्स को कैसे
रिजॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम को सिंपली वे में आप कह सकते हो कि नेताओं के लिए नियम कायदे कानून बना देना चाहिए हर एक राजनीतिक दल के लिए, यूं एक के नहीं हर एक राजनीतिक दल के लिए, ताकि यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रति भी निष्ठा बनी रहे। कई बार तो अपने स्वार्थों के चक्कर में कई सारी सरकारें गिर जाती हैं। तो जो कमियां हैं आप अपनी तरफ से इसमें सजेशन देंगे, जैसे मैंने एक सजेशन दिया आप ऐसे ही सजेशन देंगे इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। संघर्ष के स्रोत, पहली बात तो कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से सोर्स है जिससे क्या होता है संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब आप सभी को पता है कन्फ्लिक्ट होता है। कौन कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं बता देंगे आप सभी, कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो बोलेंगे कन्फ्लिक्ट होने के कई सारे कारण है। कोई बोलते हैं कि भाई इसके आर्थिक कारण है, कई लोग कहते हैं इसके सामाजिक कारण है, कई लोग कहते हैं इसके राजनीतिक कारण है। तो आर्थिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्थिक कारण इसलिए है क्योंकि अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। अमीरों के द्वारा गरीबों का क्या किया जाता है, गरीबों का शोषण किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। समाज के अंदर कई बार उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता है। समाज में प्रभावशाली ताकतवर जो परंपरागत लोग होते हैं वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी संघर्ष होता है। संघर्ष हमारे कई सारे ऐसे कारण है संघर्ष, जिसमें हम देखते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव यानी नेचर ऑफ ह्यूमन वो कैसा है, वो खुद ही दोषपूर्ण है। मनुष्य के स्वभाव के कारण भी कई बार संघर्ष देखने को मिलते हैं। और कई बार देश जो है वो क्या करना चाहते हैं, देश वर्चस्व करना चाहते हैं। देश क्या करना चाहते हैं, वर्चस्व करना चाहते हैं। और इस वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में ही हम देखते हैं कि कई बार संघर्ष हो जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को ध्यान रखना है। मार्क्सवादियों ने संघर्ष के समाधान के लिए क्या उपाय की चर्चा की है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मार्क्सवादियों ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी ने संघर्ष के लिए कई उपाय बताए। उसमें से एक उपाय ये है कि अगर हम समाज में वर्ग जो है ना, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, इसको ही खत्म कर दें, वर्ग संघर्ष का अंत कर दें। जो अमीर और गरीब वर्ग है ना, अमीर वर्ग को जो बुजुर्गवा वर्ग कहा जाता है और गरीब वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग है, तो अगर ये दोनों का अंतर खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है, ये क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो सकता है कि भाई संघर्ष जो है उस संघर्ष को समाधान किया जाए, आसानी से संघर्ष को समाधान किया जा सकता है, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं या और भी कुछ बातें आप सभी के सामने निकल गई आती है, मैं आप सभी के सामने और भी बातें बता दूं। तो मार्क्सवाद का कहना है कि सरकार जो है ना, सरकार केवल अमीरों का हित करती है, तो पूंजीवादी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। ये पूंजीवादी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, जहां पर भी कैपिटलिज्म होता है वहां पर सरकार स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, गैल्टन है ना, ये गैल्टन जो भी आप इसको पढ़ लो, क्योंकि किसी पेपर में तो इसको हिंदी में गैल्टन लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, और कहीं पर ही गैल्टन लिखा हुआ है। इसकी संस्कृति की आपको अवधारणा की चर्चा करनी है। तो ये पेपर में पूछा हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अब तक 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या करना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इन्हीं में से आता है तो आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से ये है, संघर्ष प्रबंधन के लिए विभिन्न आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो संघर्ष प्रबंधन के कई सारे आयाम हैं, इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में 110% दिखने वाला है। अगली बात है क्वेश्चन में, एक ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में शांति समाधान के लिए गांधी की जो विचारधारा थी वो कहाँ तक सत्यार्थी है या फिर कहाँ तक ठीक है। तो जैसे गांधी ने कुछ 3-4 बातों का ही जिक्र किया है, जैसे मैं बात करूं तो एक तो सत्याग्रह की बात करी है, एक सिविल डिसओबिडियंस बोला है यानी असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ बातें, जैसे पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, और तीसरी बात की बात करें तो सत्याग्रह के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर एक चीज आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, गांधी जी की विचारधारा में स्वदेशी अपनाना, लेकिन की ये भी विचारधारा थी, तो ये काफी हद तक संघर्ष को समाधान करने में सफल हो सकती है। अहिंसा का मार्ग इन्होंने बताया था, अहिंसा का मार्ग, तो ये भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो।
ना, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, भारत के सामाजिक संघर्षों की मूलभूत विशेषता क्या है? तो जातिगत भेदभाव, यहां पर ध्यान रखना, जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव है। और इसके अलावा और भी चीजें हमारे सामने निकल कर आ जाती है ना, इसका वर्णन कीजिए और उनके उचित समाधान भी क्या करिए बताइए, उनके कुछ क्या करने हैं आपको, उचित समाधान भी बताने। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि भारत में जैसे जातिगत भेदभाव होता है, संघर्ष का एक कारण हो गया है ना, सामाजिक संघर्ष के अंदर बताना है, जातिगत छोड़कर हम इसके अंदर धार्मिक कारण भी लिख सकते हैं, उसको अगर उसको भी छोड़ दें हम, तो इसके अंदर कई बारी हमारा जो है वर्ग आ जाता है, अमीर वर्ग से है कि गरीब वर्ग से, वो भी है। अगला है, अफगान में जारी संघर्ष की प्रकृति बताना है। तो हालांकि अब तो संघर्ष कम हो गया अफगानिस्तान में, तो क्या संघर्ष है उसकी प्रकृति बतानी है। तो आप सभी बोलेंगे कि अमेरिका ने अपने वहां पर से सेना जो है वो वापस कर ली है, क्योंकि अमेरिका पे खर्च का दबाव बढ़ रहा था। और दूसरी बात जो है, आज के समय में अफगानिस्तान की तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने निगाह गड़ा कर बैठे हुए हैं, जिसमें से वो अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक यूज करना चाहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। ये आपको ये भी ध्यान रखना है वाला कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन कुछ है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे संघर्ष के विभिन्न स्रोत क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। संघर्ष को प्रभावित करने वाले कारण, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली आपके पेपर में छपने ही वाली है। और देखो, संघर्ष मूल्यांकन जो है, संघर्ष क्यों होता है उसका मूल्यांकन करते हैं, किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और क्यों हमारे लिए बन जाता है कि ये क्वेश्चन। तो संघर्ष से दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो संघर्ष वाले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो वो करने ही करने हैं। और ये ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको संघर्ष वाला समझ नहीं आ रहा है एक बार बुक से देखिए आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देखो चार क्वेश्चन शुरू से है जो इसमें संघर्ष 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 संघर्ष, बुक का नाम भी संघर्ष ही है। तो संघर्ष क्यों होता है, किन स्रोतों से होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, संघर्ष करना जनता के लिए जरूरी है या नहीं है, संघर्ष की आलोचना, ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएगा। इसके बाद में गांधी की आधुनिक जो सभ्यता की जो कल्पना है, स्वराज की जो आपने कल्पना कर रखी है गांधी की, वो आप सभी को लिखनी है यहाँ पर। और क्योंकि आपने पिछले पेपर में भी जो MGP वाला पेपर है, क्योंकि गांधी की तो हर किसी में स्वराज की अवधारणा पूछा जाता है, आधुनिक सभ्यता के लिए क्या क्या विकल्प बताएं वो बताना है। गांधी संघर्ष परिवर्तन की विभिन्न विशेषताएं, ये सेम क्वेश्चन ये वाला है गांधी की, ये वाला क्वेश्चन कहा गया, हाँ ये वाला सेम क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये सेम क्वेश्चन है, ये मैं आप सभी के लिए अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, आप इस चीज को देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। पेपर में सेम पूछा जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, क्वेश्चन कई पेपर में 9 क्वेश्चन ही आ रहे, तो ये भी ध्यान रखना है, संघर्ष परिवर्तन में नागरिक समाज की भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो देख ली तो इसके आगे आप नहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में भी आप सभी को जो क्वेश्चन बताए गए ये आपके पेपर में आपको अच्छे तरीके से पास करा देंगे। बाकी और भी आपको क्वेश्चन देखने तो कंटिन्यूसली कर सकते हो। अभी आप एक क्वेश्चन ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया नागरिक समाज के उपागम बताने और संघर्ष परिवर्तन के साधन, देखो सेम चीज आपसे पूछा जा रहा है, बस इसको पलट के आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। और इसके बाद में गांधी की जो आधुनिक सभ्यता की संकल्पना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पीछे बता दिया है। यही क्वेश्चन जो अब तक मैंने बताया वही क्वेश्चन आप सभी को, पांच तो दो क्वेश्चन नीचे वाली यूनिट में आपको मिल गए, और इसमें यूनिट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, डायरेक्टली 9 क्वेश्चन जब भी आएंगे आप कहीं से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे खास बात इसकी ये बन जाती है, संघर्ष विश्लेषण की विभिन्न विधियों का वर्णन, ये क्वेश्चन कर जाओ, और संघर्ष के लिए आप एक ये क्वेश्चन कर जाओ, संघर्ष जो है समकालीन विश्व में संघर्ष के बाद में पुनः परिस्थिति का महत्व को बताइए, जैसे संघर्ष कभी होता है, युद्ध होता है, वॉर होता है, तो उसके बाद किस तरीके से हम उसके अंदर शांति स्थापित करते हैं, जैसे शांति सभाएं होती हैं, UNO की बैठकें होती हैं, देशों के जो विभिन्न हमारे हेड होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, वो आपस में वार्ताएं करते हैं, और उसके बाद कोई भी संघर्ष जो होता है उसको समाधान किया जाता है ना। एक नीदरलैंड वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वंद्व द्वंद्व के परिवर्तन के प्रमुख प्रकार बताने, और द्वंद्व परिवर्तन करने के लिए नागरिक समाज, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। अगला है,
स्वराज की अवधारणा ये सेम पूछा जा रहा है, अफगानिस्तान में द्वंद के लिए शांति के लिए कौन कौन से सुझाव दोगे। देखो एक नॉर्मल है, अपने देश में भी अगर कोई दंगे हो रहे हैं या फिर दूसरे देश की आर्मी है तो आप क्या सुझाव दोगे, आप अपने ऊपर उस चीज को एज्यूम करके चलना। पेपर में हो सकता है कि आपसे अफगान भी ना पूछे कुछ और पूछे, तो आप अपने देश के ऊपर और अपने ऊपर वो क्वेश्चन को सोचना और उसके बाद उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करना, और आंसर जो होगा यकीनन आप सभी के लिए मोस्ट बेटर होने वाला है वो आंसर। शांति निर्माण का क्या अर्थ है, शांति किस प्रकार से पाई जाती है, पहला बात ये आपको एक्सप्लेन करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ना, उसका क्या महत्व है शांति का हमारे में, और शांति स्थापित करने में क्या क्या चुनौती है। तो ये तो आगे के क्वेश्चन आसान है, बस शांति का आपको अर्थ लिखना है। तो हर प्रकार के खतरों से आजादी सुरक्षा या शांति कहलाती है, आप सभी को ध्यान रखना है। शांति स्थापित करने के कई तरीके के होते हैं, जैसे दो तरीके, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में कूटनीतियां भी होती है, और परंपरागत के अंतर्गत हम देखते हैं कि सैन्य संतुलन बनाना, देशों से अपने संवाद करते रहना, ये सारे के सारे रीजंस में भी कुछ भी हो सकते हैं वहां पर। अच्छा तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन करके जाना आप सभी को, ये दोनों के दोनों। द्वंद का क्या अर्थ है, तो ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है, आप सभी को करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, देखो कई बार खंड बन के आएगा तो उसमें खंड के हिसाब से करने ही होंगे। तो द्वंद का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये करके जाना है ना। इसके बाद में द्वंद के किस आधार पर आलोचनाएं होती है इसके बारे में भी बताना है, आप सभी को ध्यान रखना। और इसके बाद में द्वंद एक विधि के रूप में पिछले बार में भी मैंने बताया दोनों क्वेश्चन, ये दोनों वहां से भी करने। शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या चुनौती और महत्व, ये इंपॉर्टेंट बताया था, ये भी कर लेना है आप सभी को। अफगानिस्तान में संघर्ष क्यों हो रहा है इसके बारे में पूछा गया है। गांधी की आदर्श परिभाषा देना राज्य का, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इतने ही क्वेश्चन अगर आप सभी ने कर लिए तो आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, उन वेरियस लिंक्स का भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।